नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैप्टर है प्राकृतिक संपदा। इसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में बात करी थी वायु की, कैसे हमारा वायुमंडल एक है पृथ्वी को सुरक्षित रख रहा है, उसके तापमान को एक नियत रख रहा है जिससे जीवन एक आराम से चलता रहे। तो देखिए, ये हमें बाय नेचर प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे, तो जीवन में फिर वही एक गैसेस का एक रेशियो बिगड़ता है, और उस वो जो रेशियो बिगड़ता है उससे जीवन खतरे में आ जाता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। लेकिन अभी इन सबको हम डिटेल में अब और थोड़ी देर बाद समझेंगे। आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो देखते हैं जो उसमें हमारा आज जो टॉपिक है वो है पवन के बारे में। तो वो पवन का क्या अर्थ है और क्या क्या समझना है, बुक खोल के देखते हैं। तो बच्चों, ये आपका वायु के ही अंदर एक और सब टॉपिक आ रहा है जिसमें हम लोग पवन के बारे में समझ रहे हैं। और यहाँ ये देखिए कि पवन मीन्स जो हमें कहते हैं, हम वायु बोलते हैं एक बहुत शुद्ध रूप है, लेकिन हम लोग जनरल एक वर्ड बोलते हैं हवा। देखो कैसी हवा चल रही है, तो वो जो है वो ही एक पवन है। तो अगर हम ये देखते हैं कि जब गर्मियों के टाइम में दिन में सूरज चमकता है, और फिर जब सूरज ढलता है हल्की हल्की पवन चलती है, और आपको राहत की सांस मिलती है कि चलो अब थोड़ी सी हमें राहत इस गर्मी से मिली है। तो लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारा बहुत अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा हो जाती होती है या नहीं होती है। और हम लोग अक्सर ये भी कहते हैं, अरे बहुत गर्मी पड़ रही है, उमस हो रही है, अब तो बारिश जरूर होगी, वर्षा जरूर होगी। तो वायु की गति का क्या कारण है और वे कौन कौन से कारक हैं जो उन्हें कभी समीर, कभी तेज हवा या कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करते हैं, और वर्षा का क्या कारण है, ये सब हमने अब के आज ये वाला टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक में इसको समझते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वायु के चलने से हमें राहत मिल रही है, वायु के चलने से हमें एक गर्मी अधिक प्रतीत हो रही है, और यही वायु कहीं कहीं एक वर्षा का भी कारण बन रही है। ये सब कैसे हो रहा है, तो ये देखते हैं कि ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम। कि तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, या गर्मियों में हम लोग जैसे कहते हैं गर्म हवा चल रही है, और फिर कभी कभी चाहे सूरज होता भी है लेकिन हमें ठंडी हवा लगती है ना। तो ये अगर हम देखें तो ये जो हवा है, ये जो पवन है, इसका क्या है, एक टेम्परेचर में उसके डिफरेंस से हमें वैसा ही फील हो रहा है। तो जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, हमने पहले ही ये समझ लिया है कि वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है। अब यहाँ पे हम लोग इन सब चीजों को एक थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो गैसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन जो अब जलवाष्प है, ये भी जो है, ये जो जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। ये हमारे कैसे है, तो इसको जलवाष्प मींस जो पानी है वो जब इवोपरेट होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, तो वाष्प बनती है। तो जब ये चाहे स्थलीय भाग हो या जलीय भाग हो, तो इसमें क्या होता है, विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्वीकरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। तो इसका ये अर्थ हो रहा है कि चाहे हमारा अर्थ हो, चाहे हमारा वाटर सरफेस हो, ठीक है, धरती हो या जल वाला ओशंस हो, रिवर्स हो, सीज हो, कोई भी चीज हो जो जल से रिलेटेड रखती है, तो यहाँ सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, और वहां जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वहां जो जल है वो उसका वाष्पीकरण हो रहा है, और इस प्रकार जलवाष्प हमारे एटमॉस्फेयर में एक फैलती है। तो यही आपको कहा है कि जलीय स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन
तथा पुनर्वीकरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है, और गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जलवाष्प और पवनें घूमती रहती हैं। यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा ये जो वाटर सरफेस है और अर्थ सरफेस है, सूर्य की गर्मी लेता है, लेकिन उस ये नहीं है एक समान गर्म होता है। दिन के समय धरती अधिक गर्म होती है और शाम के समय जल अधिक गर्म होता है। तो उसके टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है, जो वायु में एक संवहन होता है, तो जब दिन में धरती गर्म है तो धरती से वायु ऊपर उठ रही है और ठंडी वायु जो जगह एक डेवलप हो रही है, स्पेस डेवलप हो रहा है, उसको घेर रही है, लेकिन रात के समय धरती ठंडी होती है और जो जल है वो गर्म होता है। तो रात के समय जो वाष्प जो एक उठ रही है वो जल की सरफेस से उठ रही है और धरती से जल की तरफ वायु मूव हो रही है। तो इस प्रकार देखें तो एक वेव सी बन रही है और हमारे जो चाहे दिन हो या रात हो, लगातार वायु में एक संवहन चल रहा है, एक उनमें मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे इसको आपको एक क्रियाकलाप से और समझा रहे हैं कि आप एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बोतल में रखें और उसे जलाएं, और एक अगरबत्ती को जलाएं और उसे बोतल के मुंह के समीप ले जाएं। जब अगरबत्ती का को मुंह के किनारे पर ले जाया जाता है तब अवलोकन करें कि धुआं किस ओर जाता है। ठीक है, तो आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने कैंडल रख दी, ठीक है, और अब आपने अगरबत्ती जलाई। तो जब आपने अगरबत्ती जलाई तो देखिए जो अगरबत्ती का धुआं है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो अंदर जा रहा है या ऊपर उठ रहा है। अब जब अगरबत्ती को मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर रखा जाता है तब धुआं किस ओर जाता है, और दूसरे भागों में जब अगरबत्ती को रखते हैं तब धुआं किस ओर जाता है। मेन आपको इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि मोमबत्ती हम एक उसको हीट दे रहे हैं, तो जब वो हमारा जो एक अगरबत्ती का धुआं के हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उस धुआं को ऊपर उठते देख सकते हैं, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब उसको हीट मिल रही है तो धुआं किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जब वो हीट से दूर है तो धुआं किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखेंगे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसको हीट मिल रही है तो वो और ऊपर उठेगा, और उसको या उसके आसपास जो ठंडी जगह है वहां लेकर जा रहे हैं, धुआं आपको थोड़ा नीचे जाता मिलेगा। तो यहाँ हमें जो देखते हैं इस प्रकार हम धुएं का एक जो है मींस, जब एयर आसपास की गर्म होती है तो ऊपर उठती है और जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह लेती है, ये वाली चीज आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो ये जब हम धुएं का जो पैटर्न देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस दशा में गर्म और ठंडी हवाएं बहती हैं। तो यही चीज आपको बता रहे हैं कि जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तब वो ऊपर की ओर प्रवाह करती है, और यही मैंने आपको पूरा समझा दिया कि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है, यही मैंने आपको पूरा अभी समझाया है। तो जो हमारे तटीय से क्षेत्र होता है, शोर्स एरिया जो होते हैं, तो उसमें हम यह पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर एक उठना शुरू कर देती है, और जैसे ही ये वायु ऊपर की ओर उठती है वहां कम दाब का क्षेत्र बनता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लग जाती है। इसलिए होता है कि जब हम एक सी के किनारे किसी एक वाटर सोर्स के पास जाते हैं हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ रही है और ठंडी हवा वहां की स्पेस ले रही है, लेकिन रात में ही अगर हम बैठते हैं वहां हमें फिर इतना एक आराम नहीं मिलता है, क्योंकि अब उल्टा हो जाता है तो वो फिर डायरेक्शन जो है आपका वायु का वो चेंज हो जाता है, तो आपको तब एक
इतनी ठंडक नहीं मिलती है, लेकिन जब हम दिन के समय किसी पानी के सोर्स के पास जाते हैं, इवन अगर हम जब गर्मियां ज्यादा होती हैं, तो अब अपने आसपास के क्षेत्र में पानी डाल देते हैं, जल डाल देते हैं और कहते हैं हमें ठंडक मिल रही है। उसका रीजन ही यह होता है कि एक तो वो जो धरती की गर्मी है उसको लेके वो वाष्पीकरण हो रहा है, तो गर्म हवा ऊपर जा रही है, तो जो गर्म हवा ने हमें सब ढक रखा था वो ऊपर उठती है, तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो रात के समय यही होता है, स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं, लेकिन क्या होता है, स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। तो इसलिए हम ये जो है अब आपके सामने प्रश्न है, इसको आप बता सकते हैं। तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। तो यहाँ ये आपका ये पूरे ये पैराग्राफ आप मार्क कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए और लिख लीजिए कि हमें इसको याद रखना है। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। और तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी, तो ये अब हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसका आंसर लिखिएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये देखते हैं कि हवा की सभी गतियां विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम होती हैं। तो जो हवा की जो गति है, कहाँ का क्या एक पार्ट गर्म हो रहा है, सूर्य की ऊष्मा लेकर उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वायु की गति है वो डिपेंड करती है। अगर किसी एक क्षेत्र ने ज्यादा ऊष्मा ली है तो वहां की वायु जल्दी गर्म होगी, जल्दी ऊपर होगी। जिस एरिया ने कम सूर्य की ऊष्मा ली है वहां की वायु इतना जल्दी ऊपर नहीं उठेगी और वो थोड़ा ठंडा रहेगा। तो ये जो वायु है तो वो डिपेंड कर रहा है कि वो जो एक पार्ट है, चाहे हमारा स्थल हो चाहे हमारा जलीय हो, सूर्य की ऊष्मा कितनी ले रहा है। तो इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। ये तो हमने हीट का ले लिया था, लेकिन अन्य कारक क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखला। तो इनका ये तो एक फैक्टर हमने पढ़ा है। दूसरा जो पढ़ रहे हैं कि धरती जो है वो एक क्या है, वो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है और वो अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, और वो ये जो पृथ्वी की घूर्णन गति हो रही है ये भी वायु के जो एक आपका एक डायरेक्शन है उस पर को अफेक्ट कर रही है, और ऊपर से जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो जो बहती हुई हवा है उसको रोक भी देती है। हाँ उसके ऊपर से निकलते हैं, लेकिन हम जो पर्वत हम तो अभी अगर आप देखेंगे तो काफी एक छोटे छोटे अगर देखे हैं, लेकिन बहुत ही विशाल का ये पर्वत है, वो भी जो वायु की डायरेक्शन से उसको में वो चेंज करते हैं, उनकी वायु की डायरेक्शन चेंज होती है, और यही सब कारक फिर आगे मिलकर वर्षा का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे कह रहे हैं, अब हमें यह सोचना है कि कैसे हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो हम ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि कैसे जो एयर वेव्स हैं वो चलती हैं, किस प्रकार वो टकरा के अपने उनके डायरेक्शंस चेंज होते हैं, और इसी कारण चाहे वायु की गति के कारण ही वहां का टेम्परेचर भी एक कहीं कहीं उससे भी एक निर्भर करता है। वायु जब तेज चलती है गर्मी ले उसके साथ होती है तो गर्म होता है, लेकिन वही वायु वो हमें ठंडक भी प्रदान करती है जब आसपास का टेम्परेचर डाउन होता है। तो ये सब हमने आज वायु के बारे में पढ़ा। तो पवन की बात देखते हैं, तो दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है, क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का निर्माण करती है। तो ये जो मैं आपको बता रही थी, ये लिखकर भी आपको बताया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन इसमें आपको यही बताया है कि पवन का डायरेक्शन कैसे दिन और रात में चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वर्षा के ऊपर होगा। मिलते हैं फिर से, बाय।